अभी परसों नरसों शाम के बैच में वहाँ जय गणेश डिग्री कॉलेज में जो शाम को बैच चलता है 5 बजे से, उसमें धवन पाल के एक छोटे भाई हैं, धवन पाल UPBCL में जे, उनका छोटा भाई रेलवे। तो अभी जो इधर नौकरी लगी है रेलवे की, क्लियर किया है वेटिंग वगैरह, उसमें तमाम लड़के ज्वाइन किए हैं, तो उसमें धवन पाल का वो चचेरा छोटा भाई है, वो भी यही बात बता रहा था कि हम लोगों की स्थिति बहुत ख़राब थी, अम्बेडकर नगर के लोग रहने वाले हैं। तो कल परसों वो भी मिठाई शाम के बैच में खिलाए आए थे, वो बता रहे थे कि जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ सर, पहले धवन पाल का हुआ सिलेक्शन, फिर उसके बाद हम लोग हमारा हुआ और हमारे मित्र 4-5 हम लोग जो एक कमरे में रहते थे, एक एक करके सबका आगे पीछे। तो वो ये बता रहा था कि उसी दौरान जो हमसे छोटा वाला भाई है उसका बीटेक में जो है एडमिशन हो गया, लेकिन उसको अभी पढ़ने जो है जाना था, तो उसका क्लास जो है 2-4 दिन बाद, तो वो अम्बेडकर नगर के हैं, तो कहे कि चलो ठीक है चलते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे कमरे पर 2-1 दिन रहेंगे, फिर वहीं से जो है अयोध्या से जो है ट्रेन पकड़ लेंगे, हम चले जाएंगे अपने कॉलेज जहाँ भी उनको नोएडा गाजियाबाद मिला। तो वो 2-3 दिन यहाँ रुके, तो कहने लगे कमरे में बोर हो रहे हैं, चलो तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारे कोचिंग में ही बैठ के थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा हम भी लेक्चर सुनेंगे। तो वो ये बात को जिक्र कर रहे थे कि मेरा छोटा भाई जो है केवल सर के कोचिंग में 2-3 दिन, वो भी पढ़ने के देर से नहीं, खाली ऐसे टाइम पास करने के देर से बैठा हुआ 2-3 दिन बैठा केवल, उसके बाद वो चला गया पढ़ने। जब वहाँ गया तो वहाँ का एक लेक्चरर जो है कोई क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही जैसे होता है ना इंट्रोडक्शन होता है, फिर थोड़ा सा आदमी कि भाई आप लोग का स्तर क्या है इस टाइप से, तो कुछ एक आध क्वेश्चन पूछा कि भाई आप सभी लोग जो है अच्छे स्कूल से पढ़ के आए, सभी लोग हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबर से पास हैं, फर्स्ट डिविजनर हैं, और आप लोग जो है इंजीनियरिंग की तैयारी करने आए हैं। एक आध क्वेश्चन पूछा उसने लेक्चरर ने, तो वो धवन पाल का भाई यही बता रहे थे कि पूरा क्लास सन्नाटे में आ गया, मेरा भाई बोला कि मैं बताऊँ, उसने जब खड़े होके आंसर दिया तो उसने ताजुब कर लिया, ये बात तुमको कैसे मालूम, इस क्वेश्चन का जवाब तुमने कैसे दे दिया। तो उसने बताया कि सर हम अभी जो है 3 दिन पहले जो है अपने छोटे भाई बड़े भाई के यहाँ रुके थे अयोध्या में, और वो सर के कोचिंग में आपका नाम बताया कि डीपी यादव सर के यहाँ हम क्लास लेते हैं, तो वो मेरे साथ जो है कहा कि चलते हैं टाइम पास करना, अगर तो बोरे हो रहे तुम्हारे साथ वहाँ बैठते हैं, तो मैं वहीं 2-3 दिन बैठा, तो वहाँ पर वो सर जो है पढ़ाए, तो वो बात हमने भी सुना था इसलिए मैंने बताया। वो कहने लगे कि बताओ, माने ऐसे ऐसे भी सर हैं जो कि इतना डीपली पढ़ाते हैं, और वो भी आप बता रहे हो कि ITI के सर, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ITI वाले भी सर लोग इतना डीपली पढ़ाते। तो अगर बेटा डीपली नहीं पढ़ाया जाएगा, अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा, तो जो आप देख रहे हैं कि इंडिया के कोने कोने में अमित परिवार के लोग छाए हुए हैं, चाहे सोलापुर हो, नागपुर हो, चाहे आपका चेन्नई हो, बंगलोर हो, हैदराबाद हो, चाहे आपका गुजरात हो, अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे UP बिहार राजस्थान हो, हर जगह आप देखेंगे कि आपके जो है रेलवे में लोको पायलट JEE AASM और कोस्टगार्ड के पदों पर अमित परिवार के लोग छाए हुए हैं, और उसमें ज़्यादा मात्रा में लोको पायलट, ऐसे ही हाईडील में ज़्यादा मात्रा में SSO हैं, और करीब हम समझते हैं कि सैकड़ों में जो है जूनियर इंजीनियर हैं, और कुछ JEE से असिस्टेंट इंजीनियर भी बन चुके हैं। तो इस तरह से आपका अमित परिवार देश के कोने कोने में, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद से लेकर गुजरात, अहमदाबाद, इधर महाराष्ट्र, सोलापुर, नागपुर, हर जगह UP बिहार राजस्थान में तो हैं ही लोग,
आपके खुद खाली फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर एएसएम और गुड्स गार्ड और लोको पायलट मिला के संख्या सैकड़ों, पूरा आमित परिवार ही छाया। तो ये सब कैसे है? ये सब बेटा जो है, कहीं आप हमारा ना बोर्ड देखेंगे, ना होर्डिंग देखेंगे, ना कोई प्रचार प्रसार देखेंगे, बस खाली ऐसे ये आपके सामने सर्टिफिकेट है। जब इनको आप अपने सामने देखते हैं बेटा, तो आपका आत्मभाव, आपका कोई भी डाउट, आपके मन में कोई भी आशंका, आपके मन में कोई जो माइनस में चल रहा है, जो निगेटिव थिंकिंग चल रही है, वो खुद जो है सकारात्मक सोच में बदल जाती है कि इनका अगर सिलेक्शन हो सकता है तो मैं भी मेहनत करूंगा, अपनी पूरी क्षमता लगाऊंगा और मैं भी एक स्थान अपना पक्का करके रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस सेल्फ आप में डेवलप, यही आपके जो प्रचार हैं, यही आपके प्रसार हैं, यही सब कुछ है। तो मैं होप करता हूं कि आप लोग भी इन लोगों की तरह से मेहनत करेंगे बेटा और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। आप लोगों के साथ साथ ये दोनों जो आपके सीनियर भाई लोग जेई और एज ए जेई और एज एसएसओ आपके सामने खड़े हैं, तो इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला केवल आप लोगों के लिए। कि हम अपने भाइयों बहनों से मिलेंगे और उनका हौसला अफजाई होगा, प्रेरित होंगे और वो भी मेहनत करके अमित परिवार का नाम रोशन करें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।